चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह फ्रॉम परीक्षा टेस्ट पब्लिकेशन। फ्रेंड्स, आप लोगों को जैसे मैंने पिछली वीडियो में मेरी आप लोगों ने देखा था कि मैंने बताया था कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की एग्जाम की डेट आ चुकी है, और आप लोगों को ये भी बताया था कि आखिर अब क्या तरीका ऐसा है जिससे हम लोग इस एग्जाम को पास कर सकें। तो फ्रेंड्स, मैंने तरीका आपको बताया था कि प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, 2 घंटे आप डेली प्रैक्टिस कर डालिए, आपका हो जाएगा, और इससे यदि अधिक आप दे सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं भी कुछ प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो मैं आप लोगों को आज प्रैक्टिस कराता हूं हिंदी की, यानी कि हिंदी के क्वेश्चन पेपर को मैं सॉल्व कराऊंगा। क्वेश्चन पेपर कौन से होंगे फ्रेंड्स, देखिए ये रही बुक इलाहाबाद ग्रुप सी एंड डी की, आपकी सारी पोस्ट के इसमें क्वेश्चन पेपर हैं, और इसमें कुल 11 क्वेश्चन पेपर हैं, वो भी कंप्लीट। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस बुक के मैं आपको सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा डालूंगा। तो इसी करिए मैं सबसे पहले आप लोगों को हिंदी के प्रश्न हल कराता हूं, और जो पहला पेपर है वो पेपर जो है वो 12/11/2017 का, यानी 12/11/2017 में जो पेपर हुआ था ग्रुप सी का, उसके लिए मैं कर डालता हूँ। और हाँ, एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग ये मत समझिएगा कि मैं ग्रुप सी का पेपर यदि हल करा रहा हूँ तो ग्रुप डी वाले ना करें, ग्रुप डी का करा रहा हूँ ग्रुप सी। फ्रेंड्स, एक दूसरे क्वेश्चन मैच भी हो रहे हैं, रिपीट भी हुए हैं, इसलिए आप लोगों से कहूंगा कि आप लोग पूरी की पूरी वीडियो देखें यदि आपको मार्क्स गेन करने हैं और इस एग्जाम को आपको क्वालिफाई करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करते हैं एक से। देखिए क्वेश्चन पहला है कि विशेषण में बदलिए, कह रहा है कि जो एक गुलाब, एक शब्द दे के रखा है आपको गुलाब, और कह रहा है कि इसका विशेषण बताइए कि ये विशेषण में कैसे बदलेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर विशेषण होता क्या है, ये जो विशेषण होता है वे होता क्या है। देखिए जो विशेषण होता है ये क्या होता है कि किसी संज्ञा और सर्वनाम, यदि किसी संज्ञा और सर्वनाम की कोई विशेषता बता दे, इन दोनों की क्या बता दे, विशेषता बता दे, यदि इन दोनों की विशेषता बताता है तो वही क्या होता है, विशेषण होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को ले लेता हूं, जैसे कि मैंने कहा कि वह कुत्ता काला है या वह काला कुत्ता है, तो मैंने क्या कहा, काला कुत्ता। तो देखिए फ्रेंड्स, ये कुत्ता होता है क्या है, ये कुत्ता एक संज्ञा है, क्या है ये कुत्ता, कुत्ता एक संज्ञा है, और जो काला है ये इसकी विशेषता बता रहा है कि जो कुत्ता है वो कैसा है, वो काला है। तो जो काला होता है यही क्या होता है, आपका विशेषण होता है। तो देखिए इतनी नॉर्मल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि आखिर ये जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम की यदि कोई विशेषता बता रहा है तो वही क्या होता है, विशेषण होता है। लेकिन अब यहां हमारे पास जो प्रश्न है वो ये है कि जो गुलाब है, गुलाब क्या है, गुलाब एक फूल होता है, तो गुलाब का इन्होंने क्या है, ये शब्द जो है वो संज्ञा का शब्द है, और प्रश्न में पूछा गया है कि गुलाब का विशेषण क्या होगा। इसका यदि हम विशेषण देखेंगे तो इसका विशेषण फ्रेंड्स हो जाएगा गुलाबी, क्या हो जाएगा, गुलाबी हो जाएगा। तो इसमें आंसर जो आपको कौन सही होगा, ए बी सी डी में से आपका ए सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, मैं ये आप लोगों को कहना चाहूंगा कि देखिए प्रश्न मैं लिखूंगा तो बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर की यदि आप लोग बुक परचेज कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसकी लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ, आप अमेजोन से परचेज कर सकते हैं और आप अपने नजदीक की पुस्तक विक्रेता से भी इस बुक को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो वैसे हल्का हल्का प्रश्न मैं पढ़ता भी जाऊंगा तो आपको इतनी आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी, कि जैसे गुलाब का पूछा है तो गुलाब का क्या होता है विशेषण, तो मैंने आपको गुलाबी बता दिया। तो आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या पूछा गया है। देखिए दूसरा प्रश्न पूछा गया है, दूसरा प्रश्न है कि लिंग बदलिए, यानी कि एक शब्द आपको दे के रखा है बंदर, और बंदर का कह रहा है इसका क्या करिए, लिंग बदलिए, क्या करिए, इसका लिंग बदलिए, ठीक है। देखिए जो बंदर होता है ये क्या होता है, बंदर एक होता है पुल्लिंग, ये कैसा शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है, और पुल्लिंग शब्द है तो हमें क्या करना है, इसका लिंग बदलना है, यानी पुल्लिंग को हमें स्त्रीलिंग में बना देना है। तो इसका जो स्त्रीलिंग होता है वो ध्यान रखिएगा कि बंदर का बंदरिया होता है, क्या होता है, बंदर का बंदरिया, और बंदरिया क्या हो गया, ये एक स्त्रीलिंग हो गया, क्या हो गया इसका, स्त्रीलिंग। तो बंदर एक पुल्लिंग है और इसका यदि लिंग बदलेंगे तो ये स्त्रीलिंग में आएगा बंदरिया। आइए अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न दिया है कि वचन बदलिए, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वचन बदलिए, किसका वचन बदलना है, इन्होंने शब्द देके रखा है भाला,
शब्द क्या है फ्रेंड्स, भाला देके रखा है और कह रहे हैं कि भाला का वचन बदलिए। देखिए जो भाला होता है ये एक एक वचन शब्द है। कैसा शब्द है ये एक वचन शब्द है और इसका हमें क्या चाहिए, हमें इसका बहुवचन शब्द चाहिए। तो देखिए जो फ्रेंड भाला का जो बहुवचन शब्द होता है वो इसमें ऑप्शन में दे रखा है भालाएं, भाले, भालिने और भालिनी। तो फ्रेंड्स इसका जो आप ऑप्शन गलती से टिक करेंगे ना वो भालाएं करेंगे, जबकि भाला का जो बहुवचन होता है वो होता है भाले। क्या होता है, भाला का बहुवचन होता है भाले। तो इस बात को याद रखिएगा कि भाला का बहुवचन भाले होता है। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये कह रहा है वाक को शुद्ध करिए। तो देखिए एक वाक में लिख दे रहा हूं, कह रहा है रोगी को काटकर सेब खिलाओ, रोगी को काटकर सेब खिलाओ। देखिए कह रहा है रोगी को काटकर सेब खिलाओ। अब देखिए एक बात को ध्यान रखिएगा कि इस प्रश्न को क्या करना है, इसे हमें हल करके इसका सही उत्तर देना है कि इसका हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा। देखिए फ्रेंड्स ये जो वाक्य है ना ये व्याकरण की दृष्टि बिल्कुल गलत है। वैसे जो बोलचाल की भाषा हमारी होती है उसमें कहते हैं कि चलो रोगी को काट के सेब खिला दो, तो लेकिन जब यहां हम सेंस देखेंगे ना बिल्कुल सही, तो यहां देखिए सेंस निकल रहा है कि रोगी को काटकर, इसका मतलब है कि किसे काटा जा रहा है, रोगी को काटा जा रहा है और रोगी को काटकर सेब खिलाओ। तो यहां पे ये व्याकरण की दृष्टि बिल्कुल और बिल्कुल गलत है। हमें क्या करना है कि रोगी को हमें सेब खिलाना है, तो सेब काटकर खिलाना है ना कि रोगी को। तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, देखिए इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा कि रोगी को सेब काटकर खिलाओ। क्या, सेब काटकर खिलाओ, ये हो जाएगा आपका बिल्कुल शुद्ध वाक्य। और ये आपका कैसा है, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। तो आइए पांचवे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए पांचवा प्रश्न क्या है आपका, देखिए पांचवा प्रश्न आपको देख रखा हुआ है कि वाक्यांश को क्रम में लिखिए। देखिए वाक्यांश मैं लिख दे रहा हूं, पहला वाक्यांश लिखा है तो उसमें तेल ही तेल, तो उसमें तेल ही तेल। दूसरा वाक्यांश जो है वो है घर आकर, घर आकर। तीसरा वाक्यांश जो देके रखा है वो दिया है कि जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला। और चौथा देके रखा है इन्होंने दिखाई दिया। देखिए फ्रेंड्स स्टूडेंट चार वाक्यांश देके रखे हैं और इन चार वाक्यांशों में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने कहा है कि इसे एक क्रम में लगाइए। तो देखिए क्रम में लगाते हैं, तो देखिए पहला देके रखा है कि तो उसमें तेल ही तेल, घर आकर, जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला दिखाई दिया। देखिए इसे स्टार्ट कैसे करेंगे, देखिए स्टार्ट इस तरह से करेंगे कि इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो कैसे बनेगा। देखिए घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला, क्या, घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। यानी पहले नंबर पर हम इसे रखेंगे, दूसरे नंबर पर इसे रखेंगे, तीसरे नंबर पर इसे रखेंगे और चौथे नंबर पर इसे रखेंगे। अब देखिए फिर से एक सेंटेंस पढ़ लीजिए दोबारा कि घर आकर जब मैंने बर्तन के ढक्कन को खोला तो उसमें तेल ही तेल दिखाई दिया। तो यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसमें जो है क्या सही हो जाएगा, 2, 3, 1, 4 पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न क्या है, अगला जो छठवां प्रश्न है वो है मुहावरे का अर्थ। देखिए मुहावरा दिया है कि ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए मुहावरा दिया है ऊंट के मुंह में जीरा। देखिए इसका अर्थ तो आप लोग जानते होंगे कि ऊंट के मुंह में जीरा का क्या अर्थ होता है। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है कि कोई बहुत बड़ी चीज हो और उसके लिए बिल्कुल कोई छोटी चीज उपलब्ध कराई जाए। जैसे कि खली था, आपने देखा होगा ना खली, खली क्या है, एक पहलवान है, यदि आप उसे सिर्फ एक रोटी दीजिए
तो क्या होगा, उसका पेट भरेगा नहीं भरेगा, तो इसका मतलब क्या है, उसके लिए बहुत सारा खाना चाहिए। यानी उसे यदि एक रोटी दी जाएगी तो वहां पे उसके लिए मुहावरा बिल्कुल सही बैठेगा कि ऊंट के मुंह में जीरा, जैसे ऊंट इतना बड़ा होता है उसके मुंह में एक छोटा सा जीरा डाल दिया जाए तो उसके लिए कोई उसमें मायने नहीं रखता है। तो इसी तरह ऊंट के मुंह में जीरा का जो अर्थ हो जाता है वो होता है कि आवश्यकता से बहुत कम, या जहां आपको आवश्यकता है उसे बहुत कम आप कर दें तो उसका अर्थ हो जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, छह प्रश्न हो गए, सातवां प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए फ्रेंड्स, सातवां प्रश्न दे रहा है समानार्थी शब्द लिखिए। देखो ये कह रहा है कि चतुर, चतुर का समानार्थी शब्द क्या होता है, ये कह रहा है चतुर, सातवां प्रश्न है कि चतुर का समानार्थी शब्द इन्होंने पूछा हुआ है कि समानार्थी शब्द क्या होता है। देखिए फ्रेंड, जो चतुर के समानार्थी शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, आइए हम देख लेते हैं। देखिए जो चतुर का समानार्थी शब्द होता है वो होता है विज्ञ, याद रखिएगा, एक होता है विज्ञ, दूसरा निपुण, तीसरा नागर, तीसरा सॉरी चौथा पटु, पांचवा कुशल, छठवा दक्ष, सातवा प्रवीण और चालाक। फ्रेंड्स ये देखिए, ये चतुर के क्या हैं, ये चतुर के समानार्थी शब्द हैं, यानी कि पर्यायवाची शब्द हैं। चतुर का पर्यायवाची विज्ञ होता है, निपुण होता है, नागर होता है, पटु होता है, कुशल होता है, दक्ष होता है, प्रवीण होता है और चालाक होता है। यही आपके क्या हैं, आपके इसके समानार्थी शब्द हैं। अब जो उत्तर में जो ऑप्शन में देके रखा है ना, ऑप्शन में चालाक देके रखा है, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है, इसके आपको समानार्थी शब्द याद रखने हैं। आठवां देखिए, आठवां प्रश्न क्या है, देखिए आठवां प्रश्न में कह रहा है विशेषण में बदलिए। देखिए इन्होंने एक शब्द देके रखा है गति, और कह रहे हैं कि इस गति को आप बदल दीजिए किसमें, विशेषण में बदल दीजिए, इससे आप विशेषण बना दीजिए। देखिए गति क्या होता है, गति एक क्रिया है, क्या है गति, एक क्रिया है, और इस क्रिया को हमें विशेषण बनाना है, और जब हम इसे विशेषण बनाएंगे तो विशेषण बनाने में हम क्या लग जाएगा, हमें क्रिया भी दिखानी होगी, तो यहां पे जो इसका विशेषण बनेगा वो हो जाएगा गतिशील, क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा गतिशील। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नौवां प्रश्न है, नौवें में कह रहा है कुबेर, कुबेर का समानार्थी शब्द क्या होगा, तो हम कुबेर के समानार्थी शब्द देख लेते हैं कि कुबेर के समानार्थी शब्द कौन कौन से होते हैं। तो देखिए फ्रेंड, जो कुबेर होता है, कुबेर के जो समानार्थी शब्द होते हैं उसमें आता है धनद, क्या आता है, धनद, धनेश, और क्या आता है, धनाशय, धनाशय, और क्या आता है, राख राज, राख राज, खा है मेरा, राख राज, यक्षपति, यक्षपति, धनराज। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुबेर एक शब्द पूछा गया, और शब्द के इन्होंने क्या पूछे हैं, समानार्थी शब्द पूछ लिए हैं। तो देखिए इसमें दो पर्यायवाची शब्द पूछे हैं, तो कुबेर का धनद भी हो जाता है, कुबेर का धनेश भी होता है, कुबेर का धनराज धनाशय भी होता है, कुबेर का राखराज भी होता है, कुबेर का यक्षपति भी होता है, और कुबेर का धनराज भी होता है। तो इतने सारे इसके क्या हैं, आपके पर्यायवाची शब्द हैं। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर आते हैं 10 पर। प्रश्न नंबर 10 क्या दिया है, तो प्रश्न नंबर 10 में एक संधि विच्छेद दिया है कि पुस्तकालय, एक शब्द है पुस्तकालय, इस पुस्तकालय का संधि विच्छेद करना है। देखिए इसका जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, देखिए यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है इसमें पुस्तक और दूसरा होता है शब्द आलय। ठीक है फ्रेंड्स, ये पुस्तकालय जो होता है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, एक पुस्तक और दूसरा आलय, यानी आलय मतलब आवास या निवास, यानी पुस्तक जो आवास या निवास करती है उसे हम क्या बोलते हैं, पुस्तकालय बोलते हैं, जैसे हिंदी हम किताब घर भी बोल देते हैं। तो पुस्तक धन आलय, यानी कि इसका जो संधि विच्छेद होगा वो पुस्तक धन आलय हो जाएगा। आइए 11वां प्रश्न देखते हैं, इसमें कह रहा है एकता का विलोम शब्द क्या होगा, एकता का विलोम शब्द। देखिए इसमें जो देके रखा है ऑप्शन में, वो देके रखा है एक एक, एक एक, एकांतर,
एकांतर, अनेकता और एकक। तो देखिए एकता का जो विलोम शब्द हो जाएगा, इसका जो विलोम शब्द होगा ना वो ये होगा विलोम शब्द, यही आपका विलोम होगा अनेकता। जबकि एकेक, एकांतर और एकक ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, ये इसके समानार्थी शब्द हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसके? समानार्थी शब्द हो जाएंगे। ठीक है, आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 यानी कि 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 आपके क्या देके रखा है, क्वेश्चन नंबर 12 देके रखा है आपका लिंग बदलिए। इसमें भी आपको लिंग बदलना है, लिंग बदलिए और देखिए किसका लिंग बदलवा रहा है। शब्द आपको पास देके रखा है अध्यापक, ठीक है, अध्यापक का आप लोग लिंग बड़ी आसानी से चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अध्यापक जो होता है वो एक शब्द कैसा है, पुल्लिंग है, ये कैसा शब्द है, पुल्लिंग, और इसका बदलना है यानी कि इसे स्त्रीलिंग मिलाना है। तो अध्यापक का जो स्त्रीलिंग होता है वो होता है क्या, अध्यापिका। क्या होता है? अध्यापिका होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये होता है अध्यापिका। आइए देखिए कितने आसान प्रश्न है। 13वां पे देखिए, 13वां क्वेश्चन देखा है उल्टी गंगा बहाना, एक मुहावरा है ये, उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना का मतलब है कि ऐसा काम करना जो कि क्या है, धारा के विपरीत हो, यानी किसी हम लीक पर जा रहे हैं और यदि उसके हम विपरीत काम करना शुरू कर दें तो उसी को हम बोलते हैं क्या, उल्टी गंगा बहाना। ठीक है, जैसे कि कोई एग्जांपल हम ले लेते हैं, मान लिया कि मैं यदि कहीं जा रहा हूं रास्ते में और साइकिल का मेरे पैडल आगे चलाना है लेकिन मैं उसे पीछे चला रहा हूं, तो इसका मतलब इसे क्या बोलेंगे, मुझे जो कार्य करना चाहिए मैं उसके क्या कर रहा हूं, विपरीत काम कर रहा हूं, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उल्टी गंगा बहाना बोलते हैं। यानी इसका सटीक जो आप बोलेंगे वो रहता है विपरीत काम करना। ठीक है, यदि कोई आप विपरीत काम करते हैं तो उसी का अर्थ होता है, इसका अर्थ हो जाता है विपरीत कार्य करना, विपरीत कार्य करना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में भविष्य काल में बदलना है, देखिए देख रखा है बच्ची रो रही थी, देख रखा है एक वाक्य कि बच्ची रो रही थी। देखिए जो दिया गया ये वाक्य है ये कैसा है, ये भूतकाल का वाक्य है। कैसा है? ये भूतकाल का वाक्य है। क्यों? क्योंकि इसमें था लगा हुआ है, जो था लगा होता है वो हमेशा भूतकाल के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी इसमें पूछा क्या गया है कि इसे भविष्य काल में बदलिए, किसमें, भविष्य काल में बदलिए। देखिए भविष्य काल का मतलब क्या हुआ, गा घी गे लग जाता है उसमें, तो क्या होगा, बच्ची रो रही होगी। भविष्य काल में बदलेंगे कैसे, बदलेंगे क्या बोलेंगे, बच्ची रो रही होगी। ठीक है, अब यदि इसे हम कह दें कि वैसे प्रश्न में भविष्य काल पूछा गया है, यदि प्रश्न में यह पूछ लिया जाता है कि इसे वर्तमान काल में बदलिए, तो आप क्या करते हैं, वर्तमान काल में कैसे बदलेंगे, बोलेंगे बच्ची रो रही है, कैसे, बच्ची रो रही है, यानी कि वर्तमान का मतलब है रहा है, रही है, रहे, ये सारे शब्द आपके लग जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए, अगले प्रश्न में फिर से एक आपको संधि विच्छेद दे के रखा है पुष्पांजलि का, किसका दे के रखा है, पुष्पांजलि। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, इनका है पुष्पांजलि का संधि विच्छेद करिए। देखिए पुष्पांजलि भी आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, किससे, एक पुष्प और दूसरा अंजलि, तो एक बना है पुष्प से और दूसरा शब्द जो है इसका है अंजलि, यानी कि दो भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा पुष्प धन अंजलि, इसी को हम पुष्पांजलि बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला देखिए विलोम शब्द दिया गया है, धनी पूछ रहा है कि धनी का विलोम बताइए, धनी का विलोम शब्द क्या होगा। देखिए फ्रेंड धनी का विलोम शब्द वैसे तो गरीब हो जाएगा, लेकिन यहां ऑप्शन दूसरे देके रखे हैं। देखिए इसमें ऑप्शन में देके रखा है आपका ऋण, पहला ऑप्शन है ऋण, दूसरा ऑप्शन आपको देके रखा है दरिद्र, तीसरा ऑप्शन आपको देके रखा हुआ है लोभी, चौथा ऑप्शन आपको देके रखा है पुष्प सॉरी ऋणदार, ऋणदार। देखिए धनी का जो विलोम होगा वो ऋण नहीं होगा, ठीक है, धनी का विलोम यहां पे हो जाएगा दरिद्र। क्या हो जाएगा धनी का विलोम, दरिद्र हो जाएगा।
क्योंकि धनी का विलोम लोभी नहीं हो, लोभी मतलब लालची होता है, और ऋणदार मतलब जिसपे बहुत सारा ऋण हो किसी का, ठीक है ना। तो यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, वैसे धनी का हम गरीब बोल सकते हैं, लेकिन ये गरीब के ही श्रेणी में शब्द आता है दरिद्र, ठीक है ना, जिस बहुत दरिद्र होता है जो। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17। देखिए प्रश्न नंबर 17 क्या है, प्रश्न नंबर 17 में दिया गया है कि वाक्य शुद्ध कीजिए, मेले में बच्चा खो गया। कह रहे हैं कि मेले में बच्चा खो गया, ठीक है ना। अब बताइए इसका क्या सही होगा। देखिए मेले में बच्चा खो गया या बच्चा मेले में खो गया, क्या सही शब्द होगा? बच्चा मेले में खो गया, तो इसका जो शुद्ध वाक्य बनेगा वो क्या बन जाएगा, ये अशुद्ध है, ये वाला कैसा है, अशुद्ध वाक्य है ये। शुद्ध वाक्य इसका बनेगा तो क्या हो जाएगा कि मेले में बच्चा खो नहीं खोया है, बल्कि बच्चा मेले में खोया है। क्या है? बच्चा मेले में खो गया। क्योंकि यहां पे जो सब्जेक्ट है ना, वो सब्जेक्ट हमें पहले लेके आना पड़ेगा, यहां पे सब्जेक्ट बच्चा है ना कि मेला है, ठीक है। उसके बाद 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 में भी फिर से एक वही त्रुटि निकालने के लिए दे दिया गया है कि आ पार्ट इसमें दे के रखा है रोज सुबह, आ पार्ट है आपका रोज सुबह, ब पार्ट दे के रखा हुआ है व्यायाम करने पर, व्यायाम करने पर। उसके बाद सा दे के रखा है स्वास्थ्य बिगड़ता है, स्वास्थ्य बिगड़ता है, और दा दे के रखा है कोई त्रुटि नहीं, कोई त्रुटि नहीं, ठीक है। अब इसमें कह रहे हैं कि इसमें त्रुटि निकालना है। देखिए रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है, क्या रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य बिगड़ता है या सुधरता है? तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ पे जो सी पार्ट है यानी कि सा पार्ट है, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि रोज सुबह व्यायाम करने पर स्वास्थ्य अच्छा होता है ना कि बिगड़ता है। तो यहाँ स्वास्थ्य बिगड़ने की जगह क्या होना चाहिए कि स्वास्थ्य अच्छा होता है, इसलिए यह पोर्शन में त्रुटि है, इस पार्ट में वाक्य त्रुटि है, स्वास्थ्य अच्छा होता है ये होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अब आते हैं 19 पर, प्रश्न नंबर 19 देख लेते हैं क्या है। 19 में भी देखिए ये वचन बदलने हैं, वचन, ठीक है ना। तो प्रश्न नंबर 19 में शब्द दे के रखा है आपका आत्मा, आत्मा आपका एक वचन है, इसे बहुवचन में बांटना है। देखिए बहुवचन में जो बदलना है उसमें दे के रखा है आत्म, आत्मन, आत्मीयता और आत्माएं, तो क्या हो जाएगा, आत्मा को जो बहुवचन हो जाएगा वो हो जाएगा आत्माएं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न क्या देख रखा है, ट्वेंटी देखिए भूतकाल में बदलिए। देखिए वहां पे आपको एक दिया था वाक्य, उसमें कौन सा प्रश्न था ये 14, आपका 14 में एक वाक्य दिया जिसे भविष्यकाल में बदलना था। अब जो यहाँ पे दिया है इसे हमें क्या करना है, भूतकाल में बदलना है। तो देखिए बहुत आसान से प्रश्न आते हैं, माँ सोती है, माँ सोती है, ये आपका कौन सा है, वर्तमान काल है। अब इसे बदलना है भूतकाल में, तो भूतकाल में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मां सोती थी, क्या हो जाएगा, मां सोती थी, यह हो जाएगा, ठीक है, मां सोती थी। अब इसके साथ में यदि हम भविष्यकाल भी इसका बनाना चाहें, तो इसका यदि हम भविष्यकाल का सेंटेंस बनाना चाहें, वाक्य बनाना चाहें, तो क्या हो जाएगा, भविष्यकाल में यानी गागी गे आ जाएगा, यानी मां सोती होगी, माँ सोती होगी, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न है जो 21 से 25, यानी जो अगले पांच प्रश्न हैं, उन पांच प्रश्नों में क्या है, उन पांच प्रश्नों में एक आपका गद्यांश देके रखा है, और उस गद्यांश के आधार पर उसके क्या करने हैं, प्रश्नों के उत्तर देने। तो मैं आप लोगों को गद्यांश पढ़ के बता दे रहा हूं कि आज समाज में, हमेशा ध्यान रखिए गद्यांश को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आज समाज में अपराध और बुराइयां दिखाई देती हैं, नैतिक मूल्यों का पतन हो रहा है,
हर व्यक्ति स्वार्थ से घिरा है, उसका मूल कारण प्रेम का ना होना है। हिंसा, द्वेष, वैमनस्य, शत्रुता आदि विकारों का उद्भव भी प्रेम के अभाव में होता है। प्रेम सुखी जीवन का आधार है। प्रेम के अनेक रूप होते हैं, मातृ प्रेम, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम, देश प्रेम आदि। प्रेम का रूप चाहे कोई भी हो, वह प्रगाढ़ और मधुर संबंधों को बनाने वाला है। प्रेम के कारण ही समाज या राष्ट्र प्रगति करते हैं और अनेक समस्याएं स्वतः सुलझ जाती हैं। दो समुदाय समाज या राष्ट्र प्रेम के कारण ही एक दूसरे से जुड़ते हैं। किसी समस्या का हल भी प्रेम से ही निकल सकता है, क्रोध या झगड़े से नहीं। समाज में फैली सांप्रदायिकता, भेदभाव, द्वेष, शत्रुता, आतंकवाद आदि को यदि मिटाना है तो पहले लोगों में एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करना होगा। समाज और राष्ट्र भी तभी प्रगति कर सकते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रख सकते हैं जब आपसी संबंध सुदृढ़ हो और एक दूसरे के प्रति त्याग की भावना हो, और यह सब एक चीज से संभव है, वह है प्रेम। तो देखिए, पहला प्रश्न पूछा गया है कि प्रेम के कितने रूप होते हैं। तो पहला ऑप्शन है मातृ प्रेम, दूसरा है पारिवारिक प्रेम, तीसरा है ईश्वर प्रेम, और चौथा है ए, बी और सी, और साथ में देश प्रेम। तो देखिए, प्रेम में के जो प्रकार बताए गए हैं वो बताया गया है मातृ प्रेम पहला, पारिवारिक प्रेम, ईश्वर प्रेम और देश प्रेम। तो चार प्रेम बताए गए हैं, जो कि इसकी वजह से चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न है कि आतंकवाद को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। मित्रता की भाव जगाना चाहिए, लोगों को शिक्षित करना चाहिए, व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहिए, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव जगाना चाहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, एक दूसरे के प्रति यदि प्रेम भाव हम जगाएंगे तो आतंकवाद को हम मिटा सकते हैं। तो यहां पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कह रहा है कि इस अवतरण का एक उचित शीर्षक दीजिए। देखिए, पूरा का पूरा जो अवतरण है वो प्रेम से संबंधित है। तो यहां पहला ऑप्शन है प्रेम, दूसरा है प्रेम की आवश्यकता, तीसरा है प्रेमपूर्ण व्यवहार, और चौथा है प्रेम का महत्व। तो इसमें जो बताया गया है वो प्रेम का महत्व बताया गया है, तो यही आपका सबसे सटीक आंसर होगा। दो समुदाय और दो राष्ट्रों को कौन सी भावना जोड़ सकती है, तो ये प्रेम की भावना जोड़ सकती है, डी ऑप्शन सही होगा। समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण क्या है, तो समाज में होने वाले अपराध और नैतिक मूल्यों के पतन का मूल कारण वह क्या है, आपसी शत्रुता, ठीक है ना, यानी आपसी द्वेष। तो यही आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगा, तब तक के लिए